नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 1:20 तक रहेगी। आज सुबह 7:42 से शुरू होकर कल की सुबह 8:08 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:28 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। उसके बाद आश्लेखा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा गणतंत्र दिवस है आज। आज से माघ महीने की शुरुआत हो रही है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 1 फरवरी की देर रात 3:49 से अगली सुबह 6:44 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 31 जनवरी की सुबह 6:45 से देर रात 1:08 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:58 तक और एक बार फिर सुबह 9:25 से दोपहर 12:25 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 12 फरवरी की सुबह 7:03 से सुबह 8:38 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 1 फरवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:54 तक और एक बार फिर सुबह 9:21 से दोपहर 2:04 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जनवरी की सुबह 7:40 से सुबह 8:28 तक और एक बार फिर सुबह 9:55 से दोपहर 2:51 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 जनवरी की दोपहर 3:53 से शाम 4:52 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:58 तक और एक बार फिर सुबह 9:25 से दोपहर 2:21 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:58 तक और एक बार फिर सुबह 9:25 से दोपहर पहले 11:36 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 28 जनवरी की दोपहर 12:59 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना
बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर पहले 11:13 से दोपहर 12:33 तक, मुंबई दोपहर पहले 11:26 से दोपहर 12:50 तक, चंडीगढ़ दोपहर पहले 11:15 से दोपहर 12:34 तक, लखनऊ सुबह 10:57 से दोपहर 12:18 तक, भोपाल दोपहर पहले 11:10 से दोपहर 12:32 तक, कोलकाता सुबह 10:26 से दोपहर पहले 11:48 तक, अहमदाबाद दोपहर पहले 11:29 से दोपहर 12:51 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:55 से दोपहर 12:21 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कई तरह की व्यक्तिगत गतिविधियों में ही दिन व्यतीत हो जाएगा तथा कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरा करने की क्षमता रखेंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए खुशखबरी इंतजार कर रही है। कोई भी विशेष निर्णय लेने से पहले उससे संबंधित सभी पहलुओं पर उचित सोच विचार अवश्य करें। स्वयं पर भरोसा रखें, अपनी क्षमता से अधिक कार्यभार न लें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। कारोबारी गतिविधियों में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नए एग्रीमेंट होंगे और आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी कर रहे लोग अपने प्रोजेक्ट को लेकर सावधान रहेंगे। दांपत्य रिश्ते सुखद रहेंगे। घर में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। आपके अथक प्रयासों से गतिविधियों में कुछ सुधार होगा। अपने प्रत्येक कार्य को गंभीरता से पूरा करने का प्रयास करें। खुद को साबित करने के लिए बहुत संघर्ष और मेहनत की जरूरत है। आज व्यावसायिक संपर्कों को और मजबूत करेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या राजनीतिज्ञ से मुलाकात फायदेमंद होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। सरकारी कार्यवाही चल रही है तो उससे संबंधित समाधान मिलने की संभावना है। किसी खास मित्र से मुलाकात होगी और कई तरह की गतिविधियों पर सकारात्मक वार्तालाप भी होगा। अपने पक्ष को मजबूत करके रखें। दूसरों की व्यक्तिगत गतिविधियों से खुद को दूर रखें। अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक मामलों को ही अहमियत दें। आज बच्चों की समस्याओं का समाधान करने से अब उनका मनोबल बढ़ेगा, इसलिए उनके साथ कुछ समय व्यतीत करना उचित रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। समय बहुत ही अनुकूल है। कोई खास कार्य भी हल होने वाला है। अपने बारे में ही सोचें और अपने लिए ही काम करें। कोई पारिवारिक समस्या किसी अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता से हल हो जाएगी और आपसी रिश्ते में पुनः मधुरता आएगी। आर्थिक कश्मकश बनी रहेगी परंतु खर्चों पर कटौती करना भी मुश्किल होगा। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने से पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें। आज स्वभाव में अहम की भावना ना आने दें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आपको कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली है। अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से करना और समन्वय बनाकर रखना आपको सफल बनाएगा। समाज में मान सम्मान बना रहेगा। विद्यार्थियों का किसी विषय को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। आपका गुस्सा व बहुत अधिक अनुशासित होना दूसरों के लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। अपने व्यवहार को लचीला बनाकर रखें। कुछ समय आध्यात्मिक अथवा धार्मिक गतिविधियों में व्यतीत करेंगे। व्यवसाय में किसी के साथ भी कोई डील या लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। अपनी जीवन शैली को और अधिक उन्नत बनाकर रखने का प्रयास करें। अपने काम को नया रूप देने के लिए
कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि रहेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधित गतिविधियों में सफलता मिल सकती है। परिस्थितियों को सुलझाने के लिए धैर्य और संयम से काम लें, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है। आज आपको जिद करने से बचना चाहिए, इसका नकारात्मक असर आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ सकता है। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज परिस्थितियां आपके पक्ष में सुखद परिवर्तन ला रही हैं। एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ घूमने का प्रोग्राम भी बन सकता है। आज पड़ोसियों के साथ व्यर्थ उलझने से बचें। ध्यान रखें कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से आपके ही मान सम्मान में कमी आ सकती है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें। इस समय व्यावसायिक मामलों में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की असफल कोशिश करेंगे। प्रशासनिक जॉब कर रहे लोगों को कोई बेहतरीन कार्यभार मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को संपन्न करें। मन मुताबिक फल मिलने से मन में खुशी होगी और आय के साधन प्रबल होंगे। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। बनते कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, जिस वजह से मन में गुस्सा व चिड़चिड़ापन महसूस होगा, लेकिन शांत मन से काम करेंगे तो सब ठीक होगा। आज घर में जो सुधार की योजनाएं बन रही थी, उन्हें क्रियान्वित करने से पहले बजट का ध्यान रखना भी जरूरी है। आज व्यवसाय संबंधी किसी काम में अपनी योग्यता और कार्य क्षमता पर ही भरोसा रखें। मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक फल मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। किसी संपर्क द्वारा महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त होगा, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। रुकी हुई पेमेंट्स आदि मिल जाने से आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। विद्यार्थी वर्ग को किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में और अधिक मेहनत की जरूरत है। आज प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे, जिससे आपको बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। आज काम समय पर पूरा करना आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब के ऑफर आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। दिन सुखद व्यतीत होगा। किसी मित्र अथवा रिश्तेदार के साथ चल रही अनबन दूर होगी और रिश्ते में मधुरता आएगी। घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। विद्यार्थियों को विभागीय या नौकरी से संबंधित परीक्षा में सफलता मिलेगी। किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य हासिल करें। बिजनेस में लिए गए निर्णय से आपको अधिक लाभ होगा, साथ ही आपके काम की गति तेज होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। बच्चों की शिक्षा अथवा करियर को लेकर कोई चल रही समस्या हल हो जाएगी। आज अचानक कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन पर कटौती करना संभव नहीं होगा। धैर्य और संयम से काम लेंगे तो सब सही रहेगा। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अपने रिश्ते की बात घर वालों से करेंगे। नव विवाहित दंपति आज अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर करेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आज आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न होते जाएंगे और आप अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा महसूस करेंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी गतिविधियों को लेकर पूरी तरह गंभीर रहेंगे। आज उधार दिए हुए पैसे वापस मिलेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उसके बारे में पुनर्विचार अवश्य करें। अधिकारी और सम्मानित लोगों से संपर्क रखना बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है।
जिनका जन्मदिन है वो आज हरे फल शिवलिंग पर अर्पित करें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो एक मुट्ठी गेहूं जल में बहाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक एक वालों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे अंक हासिल होंगे जिससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी। मूलांक दो नव विवाहित आज जरूरी बात को शेयर करेंगे, आप उनकी बात को जरूर समझेंगे। मूलांक तीन आज आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी, जीवन साथी के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। मूलांक चार आज नई चीज़ खरीदने का विचार बना सकते हैं, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। मूलांक पाँच लवमेट के रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। मूलांक छः ऑनलाइन मार्केटिंग का काम कर रहे लोगों की सेल में बिजनेस में इजाफा होगा जिससे अधिक लाभ होगा। मूलांक सात माता पिता की बातों को ध्यान से सुनने से आपकी ज़्यादातर परेशानियों का हल मिल जाएगा। मूलांक आठ आज ऑफिस में फालतू का समय न नुकसान करें, आपकी छवि खराब हो सकती है। मूलांक नौ अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे जिसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा के फर्श के बारे में। घर के उत्तर पूर्व दिशा में भगवान शिव का वास माना जाता है और उत्तर पूर्व दिशा का उत्तम रंग है पीला, इसलिए वास्तुशास्त्र में घर की उत्तर पूर्व दिशा में पीले रंग का फर्श या पश्चिम दिशा में नीले या आसमानी रंग का फर्श बनवाने की सलाह दी जाती है। इससे भगवान का आशीर्वाद तो आपके ऊपर बना ही रहता है, साथ ही घर के वास्तु संबंधी समस्या से भी छुटकारा मिलता है। वहीं धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए घर की पश्चिम दिशा में नीले या सफ़ेद रंग के फर्श का चुनाव करना चाहिए, लेकिन इस रंग के फर्श पर ज़्यादा डिजाइन या आकृति नहीं बनवानी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा उत्तर पूर्व व पश्चिम दिशा के फर्श के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 1:20 तक रहेगी। आज सुबह 7:42 से शुरू होकर कल की सुबह 8:08 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है जिसे वरिष्ठ लोग छोटों को यह आशीर्वाद देते हैं। आयुष्मान योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज सुबह 10:28 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आश्लेखा नक्षत्र लग जाएगा। पुष्य नक्षत्र की चर्चा तो हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे आश्लेखा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेखा नौवां नक्षत्र है, इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेखा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आश्लेखा नक्षत्र की राशि कर्क है, आश्लेखा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। पेड़ पौधों में आश्लेखा नक्षत्र का संबंध नाग केसर के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेखा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आश्लेखा नक्षत्र के दौरान नागकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले आयुष्मान योग और आश्लेखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। आज 26 जनवरी है। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत में भारतीय संविधान लागू किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लिहाजा आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बता दूं कि भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ था। इसको बनाने के लिए 284 लोगों की एक समिति गठित की गई थी जिसमें 15 महिलाएं भी थीं। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 यानी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद भी इसमें 2000 बदलाव किए गए।
तत्पश्चात 24 जनवरी 1950 को समिति के सभी सदस्यों ने इस पर साइन किया और 26 जनवरी 1950 को इसे भारत में लागू कर दिया गया। बता दूं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 25 पार्ट, 448 आर्टिकल और 12 शेड्यूल हैं। भारतीय संविधान आज भी दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है, क्योंकि आज तक इसमें सिर्फ 103 बदलाव ही हुए हैं। भारतीय संविधान कई देशों के संविधान के प्रारूप से आइडिया लेकर बनाया गया है, जिस वजह से इसे बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। संविधान के एक एक पन्ने को शांति निकेतन के कला भवन में आचार्य नंदलाल बोस जी और राम मनोहर सिन्हा जी ने डिज़ाइन किया था, जिसकी ओरिजिनल कॉपी आज भी संसद के लाइब्रेरी में हीलियम गैस के साथ रखी हुई है। बता दूं, हीलियम हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस मानी जाती है। हीलियम गैस का कोई रंग नहीं होता और न ही इसमें आग पकड़ती है। ये गैस इस तरह के तापमान में बनी रह सकती है, हर तरह के तापमान में बनी रह सकती है। तो ये थी गणतंत्र दिवस की चर्चा, और अब बात करते हैं आज से शुरू हुए माघ महीने के बारे में। आज से बहुत ही पवित्र महीना माघ की शुरुआत हो चुकी है, जो 24 फरवरी तक रहेगा। शास्त्रों में जिस प्रकार कार्तिक महीने का महत्व बताया गया है, उसी प्रकार माघ महीने का भी बड़ा महत्व है। बता दूं कि चंद्र मास के हिसाब से माघ वर्ष का 11वां महीना है, जबकि सौर मास के हिसाब से ये वर्ष का 10वां महीना है। इस महीने की पूर्णिमा के मघा नक्षत्र से युक्त होने के कारण ही इस महीने को माघ कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की माधव नाम से पूजा की जाती है। पूरे माघ के दौरान माधव नाम से भगवान की पूजा करने और उनके मंत्रों का जप करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता मिलती है। उसे कभी भी किसी हार का सामना नहीं करना पड़ता। माघ के दौरान भगवान विष्णु के किन मंत्रों का आपको जप करना चाहिए, वो भी आपको बता देता हूँ। ओम माधवाय नमः, ओम नमो भगवते नारायणाय। एक तो है ओम माधवाय नमः और दूसरा है ओम नमो भगवते नारायणाय। माघ का महीना मुख्यतः स्नान दान के लिए महत्व रखता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि माघ में पवित्र नदियों या तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करते हैं। इस महीने में स्नान को माघ स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस स्नान की महत्ता को बताते हुए कहा भी गया है, प्रीतये वासुदेवस्य सर्व पापानुत्तये माघ स्नानम प्रकुर्वीत स्वर्ग लाभाय मानवः। अतः हर तरह की नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। देखो, कल हम आपको बता चुके हैं कि नकारात्मकता से छुटकारा कैसे मिलता है। आपको बता दूं कि माघ के दौरान सबसे ज़्यादा स्नान गंगा और यमुना के संगम पर पुण्यकारी माना गया है। स्वयं देवतागण भी इस दौरान प्रयाग में आते हैं। माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादित्य मरुद्गणाः, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य तथा मरुद्गण माघ के महीने में गंगा यमुना के संगम पर गमन करते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन जो लोग प्रयाग जाकर लाभ न उठा पाए, उन्हें घर पर ही सामान्य पानी से नहाकर भगवान की पूजा, उसी में गंगा जल डाल लीजिए। और मान लीजिए गंगा जल भी नहीं है, तो हाथ जोड़िए और कहिए, हे माता गंगा, हे माता यमुना, मेरी भक्ति से इसमें आ जाओ, कृपा पूर्वक इसमें आ जाओ, और बिल्कुल स्नान कर लीजिए और नहा धो के पूजा अर्चना कीजिए। शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था भी दी गई है कि जो लोग पूरे महीने भर माघ स्नान न कर सकें या माघ के बाकी नियमों का पालन न कर सकें, उन लोगों को महीने में 3 बार अथवा 1 बार माघ स्नान करके लाभ जरूर उठाना चाहिए। माघ में किए 3 स्नान भी 10,000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाले होते हैं। इससे व्यक्ति को हर तरह की सिद्धि और हर क्षेत्र में विजय मिलती है। इसके अलावा माघ महीने में स्नान के साथ ही दान का भी बड़ा महत्व है। माघ महीने में विशेष करके माघ पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी सुपात्र ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति माघ में ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ करता है या माघ का महात्म्य पढ़ता है, उस व्यक्ति को जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त होता है।
माघ में तिलदान का भी बड़ा महत्व है। इस महीने में जो व्यक्ति तपस्वियों को या ब्राह्मणों को तिल दान करता है वो बड़े आनंद से जीवन बिताता है। तिल के अलावा इस महीने में गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र दान करके भी पुण्य फलों की प्राप्ति की जा सकती है। जो लोग अपने परिवार की सुख शांति और खुशहाली कायम रखना चाहते हैं उन्हें माघ महीने के दौरान परिवार के साथ मिलकर काले तिलों से हवन करना चाहिए। साथ ही पितरों की शांति के लिए किसी पवित्र स्थान पर पितरों का तर्पण करके लाभ पाना चाहिए। माघ महीने में कल्पवास का भी विशेष महत्व है। दरअसल माघ के दौरान संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। बड़े बड़े साधु संत वहाँ पर रहकर वेद, यज्ञ आदि कार्य करते हैं। आपको बता दूं कि अपने अपने मत से कुछ लोग ये कल्पवास पौष शुक्ल एकादशी से आरंभ करके माघ शुक्ल एकादशी तक जारी रखते हैं, जबकि कुछ लोग पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। पुराणों में माघ महीने की कुछ तिथियों पर कुछ विशेष कार्यों की भी बात कही गई है। उनके अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को एक भक्त, षष्ठी को नक्त और सप्तमी को उपवास करना चाहिए। साथ ही सप्तमी को कनेर के पुष्पों और लाल चंदन से सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो सप्तमी से शुरू करके पूरे एक वर्ष तक सूर्यदेव की पूजा की बात कही गई है। इसमें पूरे साल को चार चार महीनों के तीन भागों में बांटकर हर भाग में विभिन्न नैवेद्य, पुष्प और धूप से भगवान की पूजा करनी चाहिए और अंत में एक रथ के दान की बात भी कही गई है। बता दूं कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी पर आक की 7 पत्तियां चावल, तिल, दूर्वा, अक्षत और चंदन लेकर जल में डालकर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। साथ ही सप्तमी तिथि को भी देवी मानकर प्रणाम करना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी 16 फरवरी को है। इसके अलावा माघ महीने की कुछ अन्य खास तिथियों के बारे में भी बता दूं। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 29 जनवरी को है। इसे सकट चौथ या तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान गणेश की उत्पत्ति भी हुई थी, इसलिए इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की उपासना की जाती है और उनके निमित्त व्रत किया जाता है। इस व्रत में पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है और तिल कुट खाया जाता है। बता दूं कि 29 जनवरी को चंद्रोदय रात 8:48 पर होगा। आपको बता दूं कि जितना महत्व माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का है, शास्त्रों में उतना ही महत्व माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का भी है। माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उमा चतुर्थी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा कुंद और अन्य पुष्पों से, गुड़ से और नमक से गौरी पूजा की जाती है। इस दिन ब्राह्मणों और गायों का भी विशेष सम्मान किया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 12 फरवरी की शाम 5:45 से 13 फरवरी की दोपहर 2:42 तक रहेगी। बता दूं कि माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत 12 फरवरी को किया जाएगा। इसके अलावा माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी को उपवास कर तिल से हरि पूजा करने, तिल से होम करने, तिल का दान करने और उसे खाने का विधान है। दरअसल इसके पीछे माना जाता है कि माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यम ने तिल उत्पन्न किए थे, जिसे दशरथ ने पृथ्वी पर लाकर बोया था और भगवान विष्णु को देवों ने तिल का स्वामी बनाया था। इसलिए माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ये सब कार्य किए जाते हैं। इससे व्यक्ति के ऊपर श्रीहरि और यम दोनों की कृपा बनी रहती है और वो बिना किसी रुकावट के जीवन में आगे बढ़ता रहता है। आपको बता दूं कि माघ कृष्ण पक्ष की उदयातिथि द्वादशी 7 फरवरी को पड़ रही है। अगर माघ अमावस्या की बात करें तो 9 फरवरी को अमावस्या पड़ रही है। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का विधान है। इस दिन घरों में पीले चावल बनाए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन ही रति काम महोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान कामदेव और उनकी पत्नी भगवती रति की पूजा करने का विधान है। इस बार 14 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है। इसके अलावा 13 फरवरी को सूर्य की कुंभ संक्रांति है। इस दिन दोपहर बाद
3:43 पर सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस संक्रांति का पुण्यकाल 13 फरवरी 9:16 से 3:43 तक रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज से पवित्र माघ महीने की शुरुआत के बारे में। उम्मीद है कि आपको इस सारी चर्चा का लाभ जरूर होगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गुजरात के खोडियार माता मंदिर के दर्शन। यह मंदिर गुजरात के प्राचीन मंदिरों में से एक है। सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर की वास्तुकला मन मोह लेती है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक शिव भक्त ने अपनी तपस्या से भगवान शिव से संतान का वर पाया। भगवान शिव के कहने पर नागराज के बेटी खोडियार ने उस शिव भक्त के घर 6 बहनों और एक भाई के साथ जन्म लिया। तब से माता खोडियार को संतान देने वाली माता कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि माँ के दर्शन करने से जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए माँ खोडियार के इस पवित्र मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहरा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज देर रात 1:20 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी जो कि कल देर रात 3:37 तक रहेगी। द्वितीय तिथि में बैगन अथवा कटहरी का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर, यानी कि नॉर्थ। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी जरूरतमंद को पानी की बोतल दीजिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।